हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विजय कुमार गुप्ता। आज के इस लेक्चर में हाई स्कूल की जो साइंस की भी बायोलॉजी का पार्ट है उसका नेक्स्ट वीडियो सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके आए हैं। डियर स्टूडेंट, इट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज एपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड अदर कम्पिटिटिव कम्पिटिशन एग्जाम्स। सो comes discuss about the circulatory systems. What is circulatory systems? What is transpiration? We know that all subjects transfer from one place to other place, same to same or similarity in our body, the our food materials, enzymes, proteins, vitamins, water, mineral, medicine, etc. transport in our body from one part to other part by help of blood. Okay, comes what is circulatory system? Circulatory system refers the transport our medicine, our hormones, enzymes and other substances are called circulatory systems. Means वो system जिसके through हमारे आपकी body में different type के materials like hormones, enzyme, protein, lipids and other ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय हेल्प ऑफ विच ऑर्गन्स आर नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, कम्स ऑन अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम्स, विच पार्ट हेल्प इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। द circulatory system the circulatory systems in a human being human beings consist of we discuss about circulatory systems. This circulatory system in human beings consist of which part participate in the circulatory systems? We know about diagram. Circulatory system. Circulatory system are consist of mainly three types: a pumping organ. इस pumping organ में आपके heart आते हैं, heart. सेकंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इसमें आपका आएगा आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट ब्लडी मीडियम ए सर्कुलेटरी मीडियम। ए सर्कुल
इस मीडियम में दो पार्ट्स आते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन रूप से थ्री पार्ट्स पार्टिसिपेट होते हैं। फर्स्ट आपका आता है एक पंपिंग ऑर्गन्स, वो जो पंपिंग ऑर्गन है वो आपका हार्ट है। सेकंड है ब्लड वेसल्स, इस ब्लड वेसल्स में आपके आर्टरीज आएंगे और वेन्स आएंगे। नेक्स्ट है ये सर्कुलेटरी मीडियम, वो मीडियम कौन सा जिसके थ्रू सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, उसमें आपके आएंगे ब्लड एंड लिम्फ। ओके, विथ योर डायग्राम वी डिस्कस अबाउट दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन, डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ एट डायग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फ्रॉम बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इन राइट एट्रियम थ्रू वेना केवा देन राइट एट्रियम रिलैक्स। नेक्स्ट ब्लड कम्स राइट एट्रियम द शेप ऑफ राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट्स नेक्स्ट देन राइट वेंट्रिकल्स द शेप ऑफ राइट वेंट्रिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स्ड आफ्टर सम टाइम्स राइट वेंट्रिकल्स शेप कन्वर्ट इनटू कॉन्टैक्ट्स कम्स इन लंग्स lungs blood purify the blood oxygenated then blood comes in lungs left atrium the shape of left atrium is relaxed then left atrium contract then left ventricles left ventricle the shape of left ventricles is relaxed then left ventricle the shape of
contract, then blood comes in body part. Body part. Body parts. Then body parts deoxygenated blood via aorta. We comes discuss the circulatory systems. Blood comes from all body into right atrium of the heart. First of all, total impure blood. हमारी बॉडी के टोटल इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है फ्रॉम टोटल पार्ट बॉडी पार्ट्स इस वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में एंट्री लेता है. इन द केस ऑफ बिफोर द ब्लड कम्स राइट वेंट्रिकल्स the right ventricle जिससे relaxed यानी वो starting में जो right ventricle होता है यानी सामान्य condition normal condition में होते हैं जैसे blood right atrium में entry लेता है वैसे वो relax हो जाता है यानी वो फूल जाता है उसकी जो size होती है वो increase हो जाती है. फिर after some times the blood comes into right ventricles from right ventricles. The shape of right ventricle is contracts. Up then, ये जो right ventricles थे, right ventricles में blood entry लेता है, ये होता है by tricuspid wall. Tricuspid wall by tricuspid valve. Then the blood comes into right ventricles. The right ventricles say contracts. The blood comes into lungs. Lungs में blood हमारा purify होता है यानी deoxygenated blood से वो oxygenated blood में convert हो जाता है यानी वहां पे purification होता है यानी purification यानी गैस का होता है यानी जो CO2 होता है वो absorb करके respiration के through out of body कर दिया जाता है और इस lungs में इस लंग्स के ब्लड में ऑक्सीजन एंट्री कर दिया डिजॉल्व कर दी जाती है. फिर वहां से लंग्स से प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंट्री ले लेता है. उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल आउटिकल की जो साइज होती है वो रिलैक्स्ड होती है. फिर यहाँ लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड जब वो निकलने लगता है तब ये लेफ्ट एट्रियम की जो साइज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती सिकुड़ जाती है. ऐसे टाइम में यहाँ की जो ब्लड होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री ले लेती है और यहाँ एक होता है बाइकस्पिड वाल्व. क्या होता है बाइकस्पिड वाल्व. ठीक है ये बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री लेता है उस समय वो रिलैक्स हो जाता है यानी फूल जाता है. आफ्टर सम टाइम्स द ब्लड बाय एओर्टा बॉडी के डिफरेंट पार्ट के पॉट में सेंड कर दिया जाता है. ऐसे कंडीशन में जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सिकुड़ जाता है. फिर ये रिपीटेड बार बार हमारी बॉडी में ये प्रोसेस कंप्लीट होती रहती है जिससे ब्लड हमारे बॉडी में मूव करता रहता है.
ठीक है, इसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हम बाई हॉर्न के फिगर के थ्रू इसी बात को हम कन्फर्म करेंगे। ठीक है, तो हमने एक डायग्राम आपको बनाया कि फर्स्ट आपका जो हमारे बॉडी के प्योर ब्लड होते हैं वो आपका वेना केवा के थ्रू राइट एंट्रियम में एंट्री लेते हैं, और जब राइट एंट्रियम से होते आने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड हमारा आता है, वहां से राइट वेंट्रिकल के बाद से वो ब्लड लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद वहां ब्लड जो CO2 होता है वहां वो प्योरीफाई होकर के अलग कर लिया जाता है, और उस ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है। तो वो ब्लड लंग से ऑक्सीजनेटेड होकर के लेफ्ट एट्रियम में एंट्री लेता है, और जब लेफ्ट एट्रियम में लेता है तो वह लेग्स में फूल जाता है। फिर वही ब्लड लेफ्ट आउट्रियम से होते हुए हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है यहाँ एक वाल्व होता है, इसको कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व। इस बाइकस्पिड वाल्व से भी कि तो जैसे ही ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में एंट्री लेगा, ऐसे में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी वो सिकुड़ जाता है। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे बाई एवोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सेंड कर दिया जाता है, और फिर जब सेंड करने के बाद वो पूरी ब्लड में प्योरीफाई इम्प्योर हो जाता है, यानी उसमें फिर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है और CO2 की क्वांटिटी अधिक हो जाती है। तो फिर वो कहाँ आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री लेगा वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में। ये प्रोसेस रिपीटेड होती रहती है हमारी बॉडी में, इस तरह से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसी को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको बना लीजिए, यानी यह है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड का सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट हो गया। आइए अब इसी टॉपिक को बाय हार्ट के फिगर के थ्रू हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम्स विद द फिगर ऑफ हार्ट। Dear students, suppose this is my heart. The heart is, human hearts have four chambers.
The upper side of the chamber is small compared to lower size. The upper side chamber are called atriums and lower side chambers are called ventricles. Okay? These chambers are divided by a septum. The figure, this chamber is known as right atrium. Atrium and the lower side right ventricles. A wall set between the right atrium and right ventricles are known as tricuspid wall. Tricuspid wall. The upper side evolves a veins are known as superior vena cava. Superior vena cava. And a others vena cava are called inferior vena cava. Inferior inferior vena cava. And then other sides, the upper chambers are known as left atriums and lower chambers, and this side are known as left ventricles. A valve also present between left atrium and left ventricles are known as bicuspid valve. Bicuspid valve. And this is a pulmonary artery. Pulmonary artery. Pulmonary artery. And this artery are known as pulmonary veins. And veins, these veins is known as pulmonary vein. Pulmonary vein. This is a figure of bypass. This is so, and this side, that is a right side, and other is a left side. Okay? The upper body parts, upper body part, impure blood. Comes into right atrium by superior vena cava. इस superior vena के through body के जो upper part होते हैं उनके deoxygenated blood यानी impure blood इन superior vena के through इस right atrium में entry लेते हैं. Body के किस part से? Upper body parts. जो हमारे बॉडी के अपर साइड के जो इम्प्योर ब्लड होती हैं वो इस सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ये इम्प्योर ब्लड राइट एंट्रियम में एंट्री ले लेते हैं. देन द आवर लोअर बॉडी पार्ट्स द इम्प्योर ब्लड यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू राइट एट्रियम बाय इन इन्फीरियर वेना केवा.
इंफीरियर वेना के बाद ये लोअर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट यानी जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट के जो ब्लड होते हैं इम्प्योर ब्लड, वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू इस राइट एट्रियम में एंट्री लेती है। स्टार्टिंग में इस राइट एट्रियम की जो शेप होती है वो रिलैक्स्ड होती है। जब ये ब्लड इसमें एंट्री लेता है तो ये रिलैक्स होंगे, उसके पहले कॉन्टैक्ट थे। तो जब इस राइट एट्रियम में ब्लड फुल होते हैं ऐसे में यहाँ के जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन होता है। जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो यहाँ का जो इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से एंट्री लेगा। अब ये जो राइट एट्रियम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स, वेरी माइनूट। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टैक्ट। कौन सा? राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट। व्हेन द ब्लड कम्स इन राइट वेंट्रिकल्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स द ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन, बट व्हेन राइट वेंट्रिकल आल्सो रिलैक्स्ड देन ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज। इम्प्योर ब्लड्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स कम्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी देन इट्स इम्प्योर ब्लड कम इन लंग्स। Lungs. Impure bloods convert into pure bloods in the lungs. यानी जो deoxygenated blood था वो lungs में purify किया जाएगा, यानी डी ऑक्सी जो CO2 था उसमें रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन इस लंग्स में आए हुए ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इन लेफ्ट एट्रियम बाय पल्मोनरी वेन्स। ये जो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो हमारा प्योर ब्लड है ये प्योर ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम। जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा इस टाइम में जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स्ड हो जाएगा, फिर ये प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल्स फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम बाय ए वाल्व आर नोन एज बाइकस्पिड वाल्व। व्हेन ब्लड कम्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल्स फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम द बाइकस्पिड वाल्व ओपन, बट व्हेन left ventricles is relaxed the bicuspid valve also closed, then blood comes in the aorta. एओर्टा से होती हुई प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड ऑल पार्ट्स ऑफ द आवर बॉडी। ओके क्लियर? यानी जो हमारा हार्ट है
हार्ट इज ए पंपिंग सेट, एज लाइक पंपिंग सेट। हार्ट का वर्क इतना ही होता है कि आपके ब्लड को पंप करेगा, पूरे बॉडी जितनी बॉडी के पार्ट्स हैं प्योर ब्लड डोनेट करेगा और इम्प्योर ब्लड को रिसीव करके लंग्स को सेंड करेगा, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद आपके पूरे बॉडी में सेंड करेगा, फिर जो पूरे बॉडी में जो और इम्प्योर ब्लड है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर उनको एब्जॉर्ब करेगा, रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद लंग्स में भेजेगा। यानी जो हार्ट का वर्क होता है ओनली पंपिंग ऑफ द ब्लड, इम्प्योर ब्लड को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एब्जॉर्ब करना और उस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को सेंड करना, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एब्जॉर्ब करना, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टोटल पार्ट में सेंड करना, यही जो होता है हार्ट का वर्क होता है। ठीक है, देखिए यानी ह्यूमन बींग्स में ब्लड हार्ट में दो टाइम एंट्री लेता है, एक तो इम्प्योर ब्लड के फॉर्म में यानी डी ऑक्सीजनेट के फॉर्म में, कब, जब हमारे होल बॉडी से ब्लड रिसीव करता है हमारा राइट एट्रियम तो इम्प्योर होगा और वो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आएगा और राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा और लंग्स में प्योरीफाई होगा, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। एक तो इम्प्योर ब्लड आया फिर दोबारा प्योर ब्लड आ रहा, इसलिए हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ये कई बार आपके नोट्स में, हाई स्कूल नोट्स में पूछा गया है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन ब्लड। तो इसका ये है कि हमारे हार्ट में ब्लड टू टाइप एंट्री लेता है, एक तो इम्प्योर ब्लड के फॉर्म में यानी कि वो डी ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में, फिर सेकंड टाइम में ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, फिगर को बना लीजिए। ऐसे निकल करके इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आएगा, लंग्स में प्योरीफाई होगा, प्योरीफाई होने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स है इसके थ्रू फिर यहाँ आएगा। हाँ चलो डियर स्टूडेंट्स, कन्फर्म हुए आपके, इसके बाद के जो लेक्चर होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।